ओके गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग भाई? दिल्ली का मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बारिश का मौसम मेरा पसंदीदा है। ओके, कौन कौन हमारे साथ में लाइव आ गया? दीप्ति, नेहा, आयुष, अनिरुद्ध, हिमानी, रवि, किंजल, नवदेश, मनस्वी, दीप्ति। ओके ठीक है भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। फटाफट सारे लाइव आ जाओ और अपने सेशन को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। आप आज का थॉट, माया अमेरिकन पोएट थी। 2014 में इनकी डेथ हुई थी, 2014 में हाँ इनकी डेथ हुई थी, और बड़ा शानदार लिखती थी। और ये इनका जो कोट है ये मेरा पसंदीदा है। मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप बात मतलब एकदम सीरियस से एकदम अजीब फनी कैसे हो जाते हो, ठीक है, या मतलब समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ समझना मुश्किल नहीं है, एक्चुअली इंसानी जज्बातों को समझो। हमको भी समझ ही लोगे या किसी को भी समझ लोगे। सो इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल, यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त कोट है यार। हम लोग ना अपने आप को एक ढांचे में बांध लेते हैं और ये ढांचा जो है वो कई बार हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है। हम अपने जो अलग अलग जो एक आयाम है, अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस हैं, हम उनको कहीं छिपा देते हैं कि नहीं मैं तो टीचर हूं, या तुम डॉक्टर हो, या तुम कुछ वकील हो, तो तुमको ऐसे ही रहना है। क्यों रहना है यार, क्यों रहना है? मैं पढ़ा रहा हूं, अपना काम ठीक से कर रहा हूं, ठीक है, अपना काम ठीक से कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं कहीं घूमने निकल जाऊं, ठीक है, मेरे पसंदीदा जगहों में से एक गोवा, ठीक है, अगर मैं गोवा पे कैलिनगुट बीच पर हूं या बागा बीच पर हूं, तो फिर मेरा एक अलग ही वर्जन दिखेगा ना वहां पे। या मैं अगर चंडीगढ़ में घूम रहा हूं, ठीक है, तो वहां मेरा एक अलग वर्जन दिखेगा ना। तो एग्जैक्टली ठीक है, सो डोंट ट्राई टू बी नॉर्मल ऑल द टाइम, ठीक है, और अपने आप को एंजॉय करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है भाई। आप अपने आप को एंजॉय करना सीखिए तो बहुत फायदे में रहोगे। अच्छा भाई, चलिए आज का हम लोग अपना क्यू एंड क्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्यू एंड क्यू सेशन के अंदर में जो क्वेश्चंस है हमारे सामने, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, रिसेंटली डैश वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री। भैया पोस्ट कोविड-19 टाइम में, पोस्ट कोविड-19 एरा में जो पहली ग्रैंड प्री हुई है फॉर्मूला 1 रेसिंग, ठीक है, इसको जीतने की संभावनाएं थी। लुइस हैमिल्टन साहब जीतेंगे, लेकिन हैमिल्टन साहब नहीं जीते। कौन जीता? डी हटा दीजिए, डी तो नहीं है, ठीक है भाई। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल धीरज, सही बात है। ठीक है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेल्टारी बोटास। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आप लोग अपना आंसर मैच कर लेंगे। आफ्टर दिस, डैश हैज बीन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिंस मार्च 2019। बिल्कुल सही जवाब दिया है निशांत, हिमानी आप लोगों ने, ठीक है। ओके राजुल, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसको। डैश हैज बीन चीफ इकोनॉमिस्ट, मैंने बताया था इनके बारे में कि ये जो है MS स्वामीनाथन साहब की बेटी हैं। अच्छा, स्वामीनाथन साहब भी ऑप्शन में हैं, और स्वामीनाथन साहब की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन जी, ठीक है भाई। और टेड्रोस एडनॉम तो पता है, WHO के चीफ हैं, या DG ऑफ WHO कौन है,
टेड्रोस एडनॉम साहब, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। देखिए, रिसेंटली अ ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर हैज बिन कंसिडर्ड इफेक्टिव इन ट्रीटिंग विच डिजीज। रेमडेसिविर क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस बात की डिमांड की गई है, भारत के अंदर में एक पार्टी है CPIM, इनके द्वारा कि कंपलसरी इसका जो है जेनेरिक लाइसेंस इशू किया जाए, फाइन, ताकि इसकी जो मार्केट के अंदर में सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके, फाइन। और इसका जो सही जवाब है वो तो सबको पता ही है, कोविड-19, कोविड-19 के इलाज में इसको इफेक्टिव पाया गया है, फाइन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। अंडर विच आर्टिकल द प्राइम मिनिस्टर मेक्स द प्रेसिडेंट अवेयर ऑफ द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णयों से परिचित कराते हैं प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से अवेयर कराते हैं प्रधानमंत्री साहब, बताइए भाई। और इसका जवाब है आर्टिकल 78। द राइट आंसर इज आर्टिकल 78। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 78। अच्छा, अब मैं यहां पर एक टर्म और बता देता हूं आपको कि एक शब्द है कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, बताइए, या कितनी बार किया गया था, बताओ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर वर्ड जो है वो कितनी बार दिखा हमें? एनी वन ऑफ यू, एनी गेस? बताइए भाई। चलिए, आप लोग अभी शायद आंसर कर रहे हैं, करिए भाई। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल 0 टाइम्स था, 0 बार, एक बार भी इसका प्रयोग नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और एट प्रेजेंट, वर्तमान की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट में आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में कैबिनेट वर्ड का इस्तेमाल है एक बार। आ रही बात समझ में? एक बार इसका इस्तेमाल है, सिंगल टाइम इसका यूज किया गया है आर्टिकल 352 में। और इसको कब ऐड किया गया था? इसको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। क्या था इसका, क्या था इसका जो है पूरा बैकग्राउंड क्या था? एक्चुअली था ये कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर द आर्टिकल 352, इसके रिगार्डिंग चेंजेस किए गए थे कि प्रेसिडेंट जब भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करेंगे तो वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न एडवाइस पर यह काम करेंगे, रिटर्न एडवाइस पर यह काम करेंगे। ठीक है भाई, यह नहीं कि पहले फोन कर दिया और रिटर्न में अप्रूवल बाद में ले रहे, फाइन। तो यह कैबिनेट वर्ड का इस्तेमाल आर्टिकल 352 के अंदर में पहली बार किया गया, 44th अमेंडमेंट 1978। मोरारजी देसाई ने इस शब्द को यहां पे ऐड करवाया था, क्योंकि हम लोग इंदिरा गांधी जी के जमाने में 1975 में इस लूप होल को देख चुके थे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अनुज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज द इंडस एंड जास्कर रिवर्स मीट। कौन सी जगह है जहां पर इंडस और जास्कर नदियां मिलती हैं? ठीक है भाई, बताइए, इंडस और जास्कर नदियां किस जगह पर मिलती हैं? अच्छा आदर्श,
ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। चलिए अभी हम लोग भी इसको वेरीफाई कर ही लेंगे। अब वेयर डज द इंडस एंड जास्कर, इंडस और जास्कर नदियां कहां पर मिलती हैं? और जवाब है निमू वैली। और जवाब है निमू वैली। ठीक है भाई, ये वही जगह है लद्दाख के अंदर में जहां पर मोदी जी अभी गए थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, निमू वैली। चलिए आगे चलते हैं। आप इसके बाद में कुछ एक आज के न्यूज़पेपर के फास्ट फैक्ट्स हैं। चाइना सेंसर्स इंटरनेट इन हांगकांग, आप लोग देख लीजिए। दिस इज हाउ डिक्टेटर्स वर्क। जो लोग इंडिया के अंदर में डेमोक्रेसी को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, जो लोग तरह तरह के बैन की डिमांड उठाते हैं मीडिया के ऊपर में और अन्य संस्थानों के ऊपर में, रेगुलेशन के नाम पर बैन की बात की जाती है। रेगुलेट करना एक अलग चीज होती है और रेगुलेशन के नाम पर मीडिया को बैन कर देना एक वो एक अलग चीज होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर में एक, देखो हम लोग पैंडेमिक से तो लड़ ही रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया के अंदर में एक और संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष चल रहा है किसके बीच का? डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, एक संघर्ष यहां भी चल रहा है। ओके, चलिए भाई, हांगकांग के बारे में सारी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं तो मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहां पर। आज यह न्यूज थी तो मैंने कहा चलो इसको तो दिखा देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी न्यूज दिख रही है ये। अच्छा भाई, आप अच्छा आप लोगों ने अपने स्कोर्स शेयर कर दिए हैं मेरे साथ में। ओके, आप 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, अच्छा स्कोर दिख रहा है। अच्छा समृद्धि, सबसे पहले तुमने ऑनेस्टी के साथ में अपना स्कोर शेयर किया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और डरने की कोई बात नहीं है, क्लासेस रेगुलरली कीजिए, स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। ठीक है भाई, कुछ बच्चों ने अपना दो, उनके क्वेश्चन सही हुए हैं उन्होंने उसको भी शेयर किया है। जिन्होंने दो और तीन, जो लोग बच्चे शेयर करते हैं ऑनेस्टी के साथ में, तो सबसे पहले उनकी ईमानदारी के लिए उनको बधाई। ठीक है, और पांच वाले बच्चे मुझे खूब दिख रहे हैं, 4 और 5 वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। हर्षित रतन मिश्रा, इनके जो है 4 सही हैं। निकिता राजपूत के भी 4 सही हैं, दीप्ति के भी 4 करेक्ट हुए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया स्कोर रहे आप लोगों के। मैक्सिमम बच्चों के 4 या 5 करेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा 3 क्वेश्चन मिस हो गए। ओके समृद्धि, ठीक है। आप यूएस स्टैंड्स ऑन काट्सा अनचेंज्ड। अब देखिए अमेरिका, देखो अमेरिका खुद बड़े गंदे हालातों से गुजर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए एक डिजास्टर है अगर रियल सेंस में देखें तो। अच्छा अब बात करते हैं जरा पूरी दुनिया के अंदर में जो चल रहा है उसके मुताबिक जो अमेरिका में हो रहा है वो तो एक्सपेक्टेड था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बता दिया मैंने। एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो मैं लोकल लेवल की एक न्यूज बताता हूं। हरियाणा से न्यूज आई कि वहां के प्राइवेट फर्म के अंदर में 75% लोगों का जो है सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, जगह रिजर्व कर दी जाएंगी हरियाणा के लोकल्स के लिए। और ऐसी चीजें आपको भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को या तो मिलेंगी या तो मिल रही हैं। एक्चुअली संरक्षणवाद या लोकल लोगों को एंगेज करना एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, ये चीजें अब बहुत तेजी के साथ में भारत के अंदर और दुनिया के अंदर हर जगह पर बढ़ रही हैं। अच्छा काटसा अब यहां से जुड़ा कैसे है? देखिए इंडिया का चाइना के साथ में फेस ऑफ चल रहा है। अच्छा भाई, अब भारत ने रूस को यह कहा है करीब 18,000 करोड़ के हम हथियार वगैरह सब खरीद रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, और फाइटर जेट्स वगैरह सब खरीद रहे हैं हम लोग रशिया से। अब काट्सा जो है ये अमेरिका का एक एक्ट है। इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है आप लोग स्क्रीन पर देखिए,
काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट। नंबर वन तो आप इसका फुल फॉर्म दिमाग में रखोगे, कैट्सा का। अच्छा, अब ये क्या कहता है? कैट्सा के मुताबिक ऐसे जो भी देश हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं, ठीक है, क्या हैं? अमेरिका के दुश्मन हैं ऐसे देश, उन देशों के साथ में अगर अमेरिका का कोई मित्र देश डील करता है, व्यापार करता है, तो अपने मित्र देश के ऊपर में भी अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। अरे बस समझ में, ये है काट्सा के प्रोविजंस। अब चूंकि हम तो अमेरिका के मित्र देश हैं, लेकिन रूस को अमेरिका शत्रु देशों की श्रेणी में रखता है, और हम फाइटर जेट्स किससे खरीद रहे हैं? रशिया से। तो ऐसे में अमेरिका ने हमको धमकी भेजी है कि ऐसा है, भारत अभी भी काट्सा के जो प्रावधान है उनसे बाहर नहीं है, और हम काट्सा के अंतर्गत भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों का दिल बैठ गया होगा, अरे ये क्या कर दिया ट्रम्प चाचा ने। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई चाचा चाची नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में सब कुछ होता है अपनी कंट्री का इंटरेस्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने में एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में कोई भी देश किसी भी देश का ना तो परमानेंट एनिमी होता है और ना ही परमानेंट फ्रेंड होता है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बस यही एक सिद्धांत है जो यहाँ पे गाइडिंग लाइट है, बाकी सब बेकार है। आगे बात समझ में? तो ये सब मत बोला करो कहीं पर कि हम अगर चीन से लड़ गए तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारी हेल्प के लिए। हमें जो कुछ भी करना है अपने बलबूते करना है, पता नहीं कब कौन धोखा दे जाए। तो भारत सरकार अगर कोई निर्णय लेगी तो वो अपनी क्षमता के आधार पर लेगी। अच्छा भाई, आपके लिए एग्जाम की चीजें बता दूं। एग्जाम की चीज सिंपल है, काट्सा। काट्सा का संबंध किस देश के साथ में है? जवाब है अमेरिका के साथ में है। आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल करेगा अगर क्वेश्चन को तो काट्सा का फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। अब देखो, अब इतना सब कुछ तुमको अगर मैंने बैकग्राउंड बता दिया तो तुम्हें काट्सा याद रह जाएगा, और अगर मैं सिंपल बता के निकल जाता काट्सा का संबंध अमेरिका से है, काट्सा का फुल फॉर्म ये है, तो पता लगा तुम ढूंढते रहते, पता नहीं क्यों बता दिया सर ने काट्सा। अच्छा, कुवैत की न्यूज भी बताऊंगा, क्योंकि अब जब मैंने संरक्षण बात की, प्रोटेक्शनिज्म की बात अगर मैंने करी है, तो मैं कुवैत की न्यूज भी बताऊंगा आपको, कुवैत के अंदर में जो हो रहा है। आप लोग थोड़ा बहुत तो न्यूज में सुन ही रहे होंगे कुवैत में क्या चल रहा है, ठीक है, और वहां से एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे निकल सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा भाई, इसी बीच चलते हैं जरा नेचर के पास में, प्रकृति के पास चलते हैं। और प्रकृति से एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है, और खुशखबरी ये आई है कि एक बटरफ्लाई मिली है। ये आज के द हिंदू का फ्रंट पेज का न्यूज है, फ्रंट पेज का न्यूज है, उन्होंने इसको फ्रंट पेज पे रखा है आज। आप 194 mm विंग्स, आप एक सेकेंड, पंखों के फैलाव वाली एक तितली मिली है। अरे बस समझ में, और इस तितली का जो नाम है वो नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ये भारत की सबसे बड़ी तितली हो गई है, गोल्डन बर्ड विंग। और मैं तितलियां क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि तितलियां और मधुमक्खियां ये सबसे बड़े पॉलिनेटर्स में से एक हैं, और पॉलिनेटर्स वीक के बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। अच्छा, अब तक भारत के अंदर में सबसे बड़ी तितली का जो खिताब था वो किसके पास था? 190 mm के साथ में सदर्न बर्ड विंग, ये अब तक सबसे बड़ी तितली थी, लेकिन अब ये खिताब इसके हाथ से चला गया है, और ये खिताब चला गया है किसके हाथों में? गोल्डन बर्ड विंग के हाथों में चला गया। ठीक है भाई, चलिए आप आगे चलते हैं। अरे अच्छी बात है ना आदित्य, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ मिल रही हैं, इनकी आबादी नहीं बढ़ रही है।
जब तक इनकी आबादी नहीं बढ़ेगी तब तक मैं तुमको ऐसे बताता रहूंगा। आई बात समझ में? चलिए भाई आगे चलते हैं। और जैर बोल्सेर नॉरो, भाई साहब अपने आप को सिंघम समझ रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे, लगातार फोटोज आ रही थी भाई साहब की, ठीक है, कि अभी करीब अप्रैल के महीने में एक हॉस्पिटल की विजिट करने गए थे, तो वहां पर बिना मास्क के घूम रहे, लोगों से मिलजुल रहे हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, लो धर लिया कोरोना ने इनको, ठीक है। ओके तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का पहला क्वेश्चन, जैर बोल्सेर नॉरो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? जवाब क्या है आपका? ब्राजील। ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। और अब मैं जरा कुछ बातें आपको बताता हूं ब्राजील के बारे में, क्योंकि ब्राजील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ओके हाँ बिल्कुल। कौन है भाई जिस बच्चे ने बोला है? जसोल ने बोला है, बिल्कुल जसोल, इसका विरोध हुआ था, बहुत तगड़ा विरोध हुआ था, ठीक है। और बहुत अच्छे अनुज कुमार, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, वो नई प्रजाति का था। वो तो है भाई, अब बेवकूफ है तो क्या करें। राष्ट्रपति तो है। ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। भाई फास्ट फैक्ट्स देख लीजिए फटाफट। पार्लियामेंट नेशनल कांग्रेस, ठीक है। करेंसी ब्राजीलियन रियाल। और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, भाई एरिया पांचवा सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के हिसाब से छठे नंबर पर आता है ब्राजील। तो ये फास्ट फैक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ही फटाफट देखो और देख करके मुझे रिप्लाई करो। इसको देखिएगा और फटाफट इसको देख करके रिप्लाई करिए। ओके फाइन, ये मैप है ब्राजील का, और ब्राजील के मैप के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं आपको। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ये है इसकी राजधानी, आप देख सकते हैं ब्राजीलिया, ठीक है भाई। रियो डे जेनेरियो यहाँ का एक और बड़ा शहर है, और रियो डे जेनेरियो आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ब्राजील साउथ अमेरिका के लगभग हर देश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि साउथ अमेरिका का वो देश जो साउथ अमेरिका के लगभग हर देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, देन आंसर इज ब्राजील। ध्यान रखिएगा आंसर इज ब्राजील। अमेजन बेसिन कहां पर है? ब्राजील के अंदर में है। और जो देश ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है वो देश है चिली। यहां पर स्क्रीन पर देख लीजिए, चिली जो है ये जो है आप एक ऐसा देश है साउथ अमेरिका का जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है ब्राजील के साथ में, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और इसके बाद यहां पर इस जगह पर ये बॉटम पर उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, बोलिविया है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील के साथ में, ठीक है भाई। तो ये कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। चाइनीज रीजन रिपोर्ट्स ब्यूबोनिक प्लेग केस,
भैया ब्यूबोनिक प्लेग वो बला है जिसने मध्यकालीन यूरोप के अंदर में भयानक तबाही मचाई थी, भयानक तबाही मचाई थी। 1665 के अंदर में इसने यूरोप के अंदर भयानक तबाही मचाई थी, और इसकी वजह से, ठीक है भाई, इसकी वजह से लंदन की 20% के आसपास पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, 20% आबादी खत्म कर दी थी ब्यूबोनिक प्लेग ने। अच्छा, ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये एक बैक्टीरिया से फैलता है, बहुत ध्यान देने की बात है, बच्चे वायरस की तरफ भाग के जाते हैं, लेकिन ये फैलता किससे है, बैक्टीरिया से, येरसीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया है, इससे फैलता है। अच्छा, अभी तो हमारे पास में इसका इलाज है, टेंशन मत लो, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये मंगोलिया का जो आसपास का इलाका है चीन का, वहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग डिटेक्ट हुआ है। चाहे चीन का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है उसने बोला है कि 2014 से लेकर अब तक करीब 5 लोगों की डेथ हो चुकी है अब इस ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से, ठीक है भाई। ओके, बिल्कुल, काली मौत कहते हैं इसको, फाइन। तो ब्यूबोनिक प्लेग आप लोग याद रखेंगे, किससे फैलता है, क्योंकि अब तो आप क्वेश्चंस निकलने के चांसेस ऐसे ही रहेंगे यहाँ से कि किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, येरसीनिया पेस्टिस। हाल ही में किस देश के अंदर में इसके मरीज मिले हैं, जवाब जाएगा चीन, चीन के अंदर से जो है इसके पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हैं, फाइन। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। इसके बाद में जरदोजी का नाम भी ऐड कर लो, मैंने कई सारे आपको पहले भी बताए थे जो क्राफ्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में, कि COVID-19 महामारी की वजह से जो जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, उनकी समस्याएं किस तरीके से बढ़ गई हैं। तो जरदोजी जो है ये एक किस्म का एम्ब्रॉयडरी है, कपड़े के ऊपर में कसीदाकारी करते हैं, कपड़े के ऊपर में डिज़ाइन बनाते हैं, और इसका बेसिकली संबंध है लखनऊ के साथ में। मुख्य रूप से आपको ये जो है कलाकार मिलेंगे आपको लखनऊ और उसके आसपास के एरिया में। अच्छा, इसको बढ़ावा दिया था जरदोजी को, मुगल्स थे उन्होंने मुख्य रूप से बढ़ावा दिया था, और इसमें होता क्या है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है एग्जाम का। पहला पॉइंट तो यह हो गया कि जरदोजी वाज पेट्रोनाइज्ड बाय मुगल्स, नंबर वन, मुगलों ने इसको पेट्रोनाइज किया था। एक किस्म का एम्ब्रॉयडरी है, कपड़े के ऊपर में डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें खास बात है, ये एक डिजाइन का फोटो मैंने यहां लिया है, ये जो यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये मेटल है, और मेटल भी कौन सा है, ये गोल्ड है। कपड़े के ऊपर में गोल्ड सोने के चांदी के महीन धागों से कसीदाकारी की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जरदोजी की, आ रही बात समझ में। इसीलिए कपड़े भी बहुत महंगे होते हैं जरदोजी वाले आइटम्स के। अच्छा भाई चलिए, तो ये देखिए यहां पर मैंने बता दिया है, इट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। एक और अच्छा पॉइंट निकला आपके एग्जाम्स के लिए कि जरदोजी का बेसिकली डेवलपमेंट हुआ मुगल एम्परर अकबर के समय में, और जरदोजी एक पर्सियन वर्ड है जिसका मतलब है स्विंग विद गोल्ड स्ट्रिंग, और लखनऊ जरदोजी, मैंने अभी कहा था लखनऊ जरदोजी के पास में जीआई टैग भी है, और जीआई टैग के बारे में बहुत बारी चर्चा हो चुकी है, कभी कोई बड़ा मौका आया तो मैं फिर से बताऊंगा आपको जियोग्राफिकल टैग, जीआई इंडिकेशन टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अगर किसी आइटम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है, जीआई टैग मिल जाता है, तो उसकी मार्केटिंग, उसकी सेलिंग आसान हो जाती है, नकल करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ के जो क्राफ्टमैन होते हैं या जो उस चीज़ से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है भाई। तो ये बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग टी को मिला था सबसे पहला जीआई टैग, फाइन। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये है असम के अंदर में,
कहाँ पर है, असम के अंदर में है। और यहाँ पर एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग का काम शुरू कर दिया था और इस बात को लेकर के बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा था, क्योंकि असम के, और देखो एक बात मैं आपको और बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बायोडायवर्सिटी तो जबरदस्त है। अच्छा, हम डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन क्या आपको पता है कि हम जब वहां पर डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो वहां के बायोडायवर्सिटी भी खत्म होगी। इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की बात करते हैं वो लोग। देहिन पटकई में अगर आप कोल माइनिंग करोगे तो वहां के जंगल खत्म कर दोगे, वहां के जीव जंतु खत्म कर दोगे आप, वहां पर जो लोग रहते हैं उनका आवास खत्म कर दोगे आप। अच्छा, कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर कतरनिया घाट एक जगह है, कतरनिया घाट रिजर्व एरिया है, कतरनिया घाट, और इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी है। तो वहां पर क्या किया है इन लोगों ने, इंडिया नेपाल के लोगों ने इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी है। अब यहां जैसे यहां पर एलिफेंट की बात आ रही है ना, वहां पर भी एलिफेंट की ही बात है। तो कतरनिया घाट के अंदर में क्या है, अक्सर हाथी मर जाते हैं बिजली का झटका लगने की वजह से। अच्छा, कतरनिया घाट के अंदर में जो है कुछ आसपास छोटे छोटे गांव भी हैं और हाथी एग्रेसिव होकर के गांवों में घुस जाते हैं और कई बार इंसानों की हत्याएं भी, इंसानों को मार देते हैं। अब लोग बोलेंगे हाथी बड़ा खराब है, मैं कहता हूं हाथी खराब नहीं है, इंसानों की सीमाएं तय की जानी चाहिए। मैं बार बार जो बात बोलता हूं फिर से बोलूंगा कि यह धरती केवल इंसानों की नहीं है, यह धरती सबकी है, हाथियों की भी है, शेरों की भी है, तितलियों की भी है, मधुमक्खियों की भी है यह धरती। और अगर यह बैलेंस बिगड़ा तो इस धरती पर कोई नहीं बचेगा फिर। तो इंसान को क्या जरूरत है कि वो जंगलों के अंदर में जाकर के रहे, अपने घर में रहो ना यार, अपनी आबादी सीमित करो। फाइन, तो अभी यहां पर है क्या चीज, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया है असम की सरकार ने। ऑल्दो फाइनल जो वर्डिक्ट है, अंतिम फैसला है, वो केंद्र सरकार लेगी। और अगर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया तो उससे बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट ये होंगे कि इसके अंदर में किसी भी किस्म की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और मैं तो बोलता हूं डिक्लेयर कर दो भाई, बिल्कुल कर दो डिक्लेयर, ताकि कम से कम देहिंग पटकाई बच जाए। अच्छा भाई, और अब ये जो है इसका निर्णय कौन लेगा, NBWL नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये इसका फैसला लेगा कि इसको अपग्रेड करना है कि नहीं करना है। फाइन, अच्छा भाई ये मैप पर आप लोग देख लीजिए, ये है दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसके आसपास का एरिया है, तिनसुकिया है इसके आसपास में, ठीक है भाई, जो कि बड़ा पॉपुलर एरियाज में से एक है। और यहां पर आप देखिए नामदफा नेशनल पार्क है, और नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। असम की राजधानी पता ही होगी आप लोगों को, दिसपुर है। और ये जो नदी आप लोगों को दिख रही है, ये नदी है कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का विस्तार है पूरा का पूरा ये। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग यहां से। नामदफा नेशनल पार्क याद रखना अरुणाचल में है। ओके, अगर ये अपग्रेड हो गया तो फिर ये असम का छठे नंबर का नेशनल पार्क होगा। पांच नेशनल पार्क ऑलरेडी असम के अंदर में हैं। काजीरंगा का नाम आप लोग और मानस का नाम आप लोग खूब जानते हैं, काजीरंगा और मानस बहुत चर्चा में रहते हैं। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत चर्चा में रहता है, इसके अलावा नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, ये और भी नेशनल पार्क हैं जो कि असम के अंदर में स्थित हैं। अच्छा भाई चलिए आगे चलते हैं। पद्मा गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो गए, चलिए भाई आगे चलते हैं। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
अब जरा बात करते हैं NBWL की। NBWL 1972 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसके तहत इसको बनाया गया था। और ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि लगातार एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बातें उठ रही हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्ट 2003 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और भारत के अंदर में जो इकोसिस्टम है उसकी एपेक्स बॉडी के रूप में यह काम करता है। इसके अलावा आप जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NBWL के जो प्रेसिडेंट है वो अध्यक्ष कौन है, वो प्रधानमंत्री जी हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि जो पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है भाई, ये अच्छा पॉइंट है। यहां पर आगे चलते हैं, बिल्कुल जसोल, और ये मैंने कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है भाई, ओके। आप अनुज एनजीटी ट्रिब्यूनल है बच्चे, और एनजीटी तब उसका काम शुरू होता है जब पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर कोई न्याय देने की बात आ जाती है, जब पर्यावरण के मुद्दों पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन होता है, वो जुडिशियरी का पार्ट हो गया ना, ट्रिब्यूनल है वो, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब कहीं पर नियम टूटेगा तब आएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, समझे, ओके। तो मेरे हिसाब से अनुज आपको जवाब मिल गया होगा, चलिए भाई आगे चलते हैं। एनुअल ट्यूबर क्लोसिस रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और इस रिपोर्ट में जो तुम्हारे काम की चीज है वो बताता हूं मैं आपको। काम की चीज तुम्हारे इस वाली स्लाइड पे है, स्लाइड नंबर 28 को देखिए, और यहां पर आपके काम की चीजें हैं। भारत के अंदर में ट्यूबर क्लोसिस के सबसे ज्यादा मामले जिस राज्य के अंदर में हैं, वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, आ रही बात समझ में। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, और ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, दैट्स इट। बाकी तो अगर टीबी की रिपोर्ट की बात आएगी तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसको लेकर के आया है, और अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई करते वक्त आप लोग लगातार ध्यान रखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस होता है, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। अभी मैंने ब्यूबोनिक का प्लेग बताया था, वो भी बैक्टीरिया से हो रही थी, टीबी भी बैक्टीरिया से हो रही है, इन्फेक्शस डिजीज है ये टीबी, खांसने छींकने से फैल जाती है, और सबसे ज्यादा असर किस पर करती है, फेफड़ों पर। और फेफड़े क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर होती है, फेफड़ों में, और बैक्टीरिया वायरस इनके फलने फूलने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है ऑक्सीजन, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पर, फेफड़ों में। यकीन ना हो तो कोरोना को देख लीजिए, SARS-CoV-2 सबसे पहले कहां हमला करता है, फेफड़ों पर, सिंपल, ओके। चलिए भाई आगे चलते हैं, अच्छा भाई चलिए कोई बात नहीं। अर्पण देखो बच्चे, यहां पर आप ये स्लाइड देख लीजिए, एनबी, कुछ बच्चों का लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि NBWL की एक बार स्लाइड शो कर दीजिए, ठीक है, तो बच्चे फटाफट देख लो और देख करके मुझे रिप्लाई भेजो। ओके ठीक है भाई, ठीक है, ओके। राहिल गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कोटा बिल अप्रूव्ड इन कुवैत,
कोटा बिल। अब मैंने क्लास के शुरुआत में कहा था ना, कुवैत लेके चलूंगा। कुवैत के अंदर में एक नियम बनाया है कि उनके यहां पर जो बाहरी लोग हैं, सिर्फ इंडियंस की बात नहीं हो रही है, जितने भी बाहरी लोग हैं, और सबसे ज्यादा वहां पर भारतीय ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने खास तौर पे इंडियंस की बात कर दी, हालांकि पास नहीं हुआ अभी, बिल ये आया है, इंडियंस शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 15% से ज्यादा वहां पर इंडियंस नहीं हो सकते। अभी जो इंडियंस की आबादी है उसके मुताबिक ये जो निर्णय निकल के आ रहा है, उसकी वजह से करीब 8 लाख लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। ओके, ये एक खास बात है यहां पे। और अब ये सारी की सारी चीजें जरा आप लोग ध्यान से समझना, मानवाधिकार जो है ना, ह्यूमन राइट्स, उनको भी अब रिव्यू करने का टाइम आ चुका है। जैसे कुछ लोग जो भारत के अंदर में कह रहे थे रोहिंग्यास को आने दो, रोहिंग्यास को आने दो, और भारत सरकार ने क्या कहा था, हम नहीं आने देंगे, हमारे यहां अपने लोगों को रखने की जगह है नहीं, हमारे लोग हाथियों के हाथों मर रहे हैं या हाथियों को मार दे रहे हैं, हम हाथी को मार रहे हैं, हाथी हमको मार रहा है, तो कहां से रख ले रोहिंग्यास को। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली इंसान की आबादी पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि इंसान कहां जाएगा, और खास तौर पे भारत और चीन दो देश, ठीक है। अब मैं ज्यादा इसमें गहराई में लेकर के नहीं जाऊंगा, तो मजाक की बातें भी निकल करके आएंगी, ठीक है, कि लॉकडाउन के समय में क्या क्या हुआ है। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, कि अब तक तो ये था कि भारत के लोग किसी भी देश में जा करके आराम से मतलब वहां सेटल डाउन हो गए, रह लिए, लेकिन लगातार अमेरिका, जहां पर जो भारतीयों के पसंदीदा जगह है, गल्फ कंट्रीज, अच्छा एक तो तेल की डिमांड घटी है, इकोनॉमी जैसे जैसे डाउन जाएगा वैसे वैसे तेल की डिमांड घटेगी, तो ऑयल क्रंच भी चल रहा है। अब कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर आधारित है मुख्य रूप से, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में भारत के लोग जो विदेशों में रहते थे, अब उनके लिए विदेशों में रहना फायदे की चीज नहीं रह जाएगी, और वो कहाँ लौटेंगे, भारत में लौटेंगे। तो इसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि वहां कुछ बढ़िया सीखा होगा तो यहाँ काम में आएगा, और नुकसान ये है कि जो लोग वो पैसा विदेशों से भारत भेजते थे, हमारे फॉरेन रिजर्व का वो हिस्सा भी बनता था, अब वो पैसा नहीं आएगा, अब वो रेमिटेंस जो आता था वो रेमिटेंस नहीं आएगा हमारे पास में, विदेशी मुद्रा नहीं पहुंचेगी हमारे पास में। ओके, तो ये नुकसान है इस चीज का। अच्छा भाई, चलिए भाई, ये है मैप, गल्फ कंट्रीज का मैप देख लीजिए। अच्छा आदित्य, तुमको समझ में आ गई मेरी बात। ओके, चलिए भाई, तो स्क्रीन पर देखिए, ये है कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये पर्शियन गल्फ का रीजन है, फारस की खाड़ी का क्षेत्र है पूरा। अब यहां पर देखो कतर का एरिया भी है, ओमान भी है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ये वाला एरिया भी है, ओमान का एरिया भी है, सऊदी अरब का एरिया तो है ही, ईरान का एरिया भी है, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एग्जाम के अंदर में इतना ज्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिंपल क्वेश्चन निकलता है कि ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी रूट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी रूट कहते हैं, ध्यान रखना,
यहीं पर पड़ोस में इराक भी है। जी हाँ, इराक सॉरी ईरान ये रहा और इराक ये रहा, सऊदी अरब ये रहा, और ये पूरा का पूरा बेल्ट के अंदर में तेल का उत्पादन होता है। क्या होता है? तेल का उत्पादन होता है। और अगर फारस की खाड़ी में कोई दिक्कत होती है, जब 1989 के अराउंड जिस समय इराक ने अटैक कर दिया था कुवैत के ऊपर में, तो जो गल्फ क्राइसिस जिसको हम लोग कहते हैं, खाड़ी संकट जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से भारत के अंदर में तेल के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए थे और इंडियन इकोनॉमी कितना बुरी तरीके से फंस गई थी। तो ये सारी के सारी चीजें हैं जो कि फारस की खाड़ी से पैदा होती हैं। तो पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल चोक पॉइंट्स हैं, दीज आर द चोक पॉइंट्स। पर्शियन गल्फ रीजन में कितने कंट्री आते हैं? 8 कंट्री आते हैं। इनके नाम एक बारी आप लोग फिर से देख लेंगे, जब मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो पीडीएफ में देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है। अच्छा भाई, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट टू इंडिया फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, इनको रिवाइव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी 750 मिलियन डॉलर का आप एक कर्ज देने के लिए एग्रीमेंट किया है भारत सरकार के साथ में। और मैं यहां पर ऐड कर दूं कि इंडियन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी 3 लाख करोड़ का एक कोलेट्रल फ्री कर्ज देने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जब अनाउंसमेंट हो रहे थे, तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंसमेंट वहीं पर कर दिया था। 750 मिलियन डॉलर और वर्ल्ड बैंक देगा एमएसएमईज को। अब आप लोग सोच रहे होंगे एमएसएमई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यार, एमएसएमई ही तो वो सेक्टर है जहां पर इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हमारे देश के अंदर में बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का एमएसएमई, और अगर एमएसएमई सेक्टर बैठ गया ना, तो इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो एमएसएमई के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और हुई है। अब एक चीज ये हुई है कि जो एमएसएमई है, ठीक है, जो एमएसएमई है, इसकी डेफिनेशंस चेंज कर दी गई हैं। आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जरा देखिएगा इसको। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस, एमएसएमई की ये ओल्ड डेफिनेशन है और ये है न्यू। जो लोग बैंक पीओ वगैरह के बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इकोनॉमी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये दोनों सेक्टर अलग अलग थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को मर्ज कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया नहीं है, एक ही क्राइटेरिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चेंज और किया है। पहले केवल इन्वेस्टमेंट की बात होती थी और अब टर्नओवर को भी यहां पे ऐड कर दिया है। तो ये लिमिट्स आप लोग देख लेंगे आराम से, ठीक है भाई, और ये पीडीएफ में मिल ही जाएगा आप लोगों को। फाइन, ठीक है भाई, चलिए और आगे चलते हैं। ये 3 लाख करोड़ वाला कहानी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके बाद में आज हमारा लास्ट सीरीज है, लास्ट पार्ट है नेशनल अवार्ड्स का, और इसके साथ में हमारे मैं बता देता हूं जरा, हम लोग जो पुराने मुद्दे साथ में डील कर रहे हैं, आप लोग जरा स्क्रीन पर देखेंगे, लास्ट पार्ट है नेशनल अवार्ड्स का आज। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं आप लोगों को, कि हम लोग इंटरनेशनल अवार्ड कवर कर चुके हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल अवार्ड्स में सारे जितने इंपॉर्टेंट हैं
नोबल प्राइज हो, चाहे वो रैमन मैग्सेसे प्राइज हो, पुलित्जर प्राइज हो, प्रिट्जकर प्राइज हो, राइट लाइवलीहुड अवार्ड हो, स्टॉक होम वाटर प्राइज हो, ठीक है भाई, ऐसे जितने भी गांधी मंडेला पीस प्राइज हो, ठीक है, जो कि पहली बार दिया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड हो, मोदी जी को जो इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेशनल अवार्ड में भी मैं जितने मेजर अवार्ड्स हैं वो सारे कवर कर चुका हूँ, चाहे वो साहित्य अकादमी के अवार्ड्स हो, चाहे वो ज्ञानपीठ अवार्ड हो, चाहे व्यास सम्मान हो, सरस्वती सम्मान हो, बिहारी पुरस्कार हो, पद्म अवार्ड्स हो, गैलेंट्री अवार्ड्स हो, वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। कुछ एक बचे हुए रह गए थे, वो मैं आज ले करके आ गया हूँ और आज मैं वो खत्म कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है भाई। आप एक्चुअली अनिरुद्ध, जब से आप लोगों ने ज्वाइन किया था ना बेटा, उसके पहले से मैं उस चीज को, टॉपिक को पढ़ा रहा था। अब मैं एक काम ये करूंगा, अभी मुझे कई बच्चों सजेशन भी आया है इस बारे में, सजेशन ये आया है कि सर अवार्ड्स के वीडियो अलग बना दीजिए। जैसे मैंने आप जो एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, तो उनका मैंने कल पढ़ाया था, कल या परसों पढ़ाया था मैंने, कि जितने भी कंट्रीज, जितने भी एक्सरसाइजेस सारे पढ़ा दिए मैंने। पर साथ कल ही को तो बात है, कल ही तो पढ़ाया था, 2019 से लेकर के 20 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे मैंने सब पढ़ा दिए एक ही दिन। अच्छा भाई, तो कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर ना इनके ऊपर ना 10 मिनट के, 15 मिनट के अलग वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस चीज को कंसिडर कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इन अवार्ड्स के ऊपर में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर में 15 15 मिनट के, 20 20 मिनट के, 10 10 मिनट के, अगर कंटेंट के हिसाब से होगा, आधे घंटे के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, अलग से वीडियो बना दिए जाए, ठीक है भाई। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियोस बना दूं। अबू बड़ी देर कर दी आते आते बच्चे, ठीक है भाई, तो एक बारी आप लोग भी जरा जो है एक बारी रिप्लाई करिएगा कि ये जो सजेशंस बच्चों की तरफ से आ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, और आप लोग उससे कितना एग्री करते हैं, आप लोग कितना सहमत करते हैं इस बात से, ठीक है भाई, कि वो अलग अलग जो तरीके से इसको किया जाए। बड़े कम रिप्लाई आए, ठीक है, चलिए ठीक है, तो जरा आज हम लोग नेशनल अवार्ड्स देख लें। ओके विनय, गॉट इट, चलिए, सी ऑन द स्क्रीन, गांधी पीस प्राइज, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, महात्मा गांधी जी का 125वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए 1995 में इसको आरंभ किया गया था, और भारत सरकार भी बहुत गजब है, एक साथ 2015, 16, 17, 18, 4 सालों के अवार्ड एक साथ दिए हैं, मतलब 15, 16, 17, 18 में गांधी पीस प्राइज दिए ही नहीं किसी को, और दिया तो एक साथ 19 में दे दिया सबको, और जो 20 वाला है उसके नॉमिनेशन डेट फाइल करने का आखिरी डेट था 15 जून, तो अभी तक कोई न्यूज आया नहीं है। 2020 की तो बात ही छोड़ दो, अभी 2015 के लिए ध्यान रखना, ये सारे अवार्ड दिए गए हैं 2019 में। सरकार की आप मतलब कारगुजारियां देख लीजिए, अपने आप देख लीजिए, ठीक है। अरे सुजीत वाजपेयी के नाम से ढूंढो, मिल जाएगा भाई। तो अभी यहां पर है क्या चीज, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी 2015 के लिए इनको मिला, 2016 के लिए किसको मिला, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, इन दोनों को मिला 16 के लिए। एकल अभियान ट्रस्ट, ये रूरल और ट्राइबल बच्चों के लिए जो है एजुकेशन के लिए काम करते हैं, 17 के लिए इनको मिला, और 18 18 के लिए मिला योही सासा कोवा को।
ठीक है भाई, पूरी दुनिया के अंदर में और भारत के अंदर में आप, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जापान के रहने वाले हैं योई, और इन्होंने भारत के अंदर में कुष्ठ रोग के निवारण में एक बहुत बड़ा जो है योगदान किया है, उसके लिए इनको 18 का गांधी पीस प्राइज दिया गया। ठीक है भाई, ओके, हाँ बिल्कुल अनुज। और आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। अब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर को, और ये अवार्ड दिया जाता है, आप एक सेकेंड, नहीं, ये अवार्ड नहीं है, वो दूसरा अवार्ड है, वो ये दूसरा है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 1986 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है भाई, और डेविड एटन ब्रो को मिला है 2019 का। आप ये लंदन के हैं, और पूरी दुनिया के अंदर में डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए इनको इस अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये वाला वो अवार्ड है जो मैं बता रहा था। इंदिरा गांधी का जो मार्टायरडम डे है 31 अक्टूबर, उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड के बारे में खास बात है कि ये अवार्ड कौन देता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देती है। ध्यान रखना, ये अवार्ड कौन देता है, ये अवार्ड देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देती है इस अवार्ड को। ठीक है बेटा, आदित्य कम से कम 8 से 9 महीने का इस बार लगा के चलो, क्योंकि मामला है बिल्कुल अनयूजुअल। नॉर्मली तो एनडीए में हम लोग मान के चलते हैं 6 से 7 महीने का, लेकिन आपका लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 2019 में, आ रही बात समझ में? और तब से लेकर के यहां तक अभी जो आपका एग्जाम होना है सितंबर अक्टूबर में होना है वो, और यहां तक आते आते 8 9 महीने हो चुके हैं। आप 1 महीना छोड़ दीजिए, सितंबर का महीना छोड़ दीजिए, तो आपको जो है अगस्त तक का तो करंट अफेयर्स रेडी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस बार चीजें चेंज हो गई ना बच्चे, आप लोग भी ध्यान रखिए ना। नॉर्मली जहां पर हम लोग कहते थे कि 6 7 महीने का रेडी कर लो, वहां पर अब चीजें जो है चेंज हो गई हैं, क्योंकि एग्जाम का जब डेट बढ़ा है तो बहुत जाहिर सी बात है कि पर करंट अफेयर्स का जो एक एरिया है वो एरिया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, ऑब्वियसली बेटा जब एग्जाम एक हो रहा है तो करंट अफेयर्स पेपर सब एक ही आएगा ना, ये तो बच्चे वाले एकदम बचकानी बात हो गई। चलिए, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग, आईएनसी देती है अवार्ड ये। ठीक है भाई, और ये अवार्ड 2018 के लिए किसे मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट को, चंडी प्रसाद भट्ट साहब को ये अवार्ड मिला है 2018 का। और चंडी प्रसाद भट्ट अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी चंडी प्रसाद भट्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंडी प्रसाद भट्ट ने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी 1964 में, गोपेश्वर में, कहां पर है, उत्तराखंड। और ये जो डीजीएसएस था, इसी ने चिपको आंदोलन को चलाया था, उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन प्रूव हुआ था। चिपको आंदोलन आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो जान लीजिए। आप उत्तराखंड के अंदर में पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया यह अभियान था, चिपको आंदोलन, जिसमें कि इस संगठन के लोग पेड़ों के पास जा करके उनको हक करते थे, उनको पकड़ लेते थे, और जो सरकार के जो लोग थे जो पेड़ों को काटने के लिए आते थे उनको बोलते थे पहले हमें मार दो फिर पेड़ों को काटना आप। तो इस तरीके से एक किस्म का गांधीयन आइडियोलॉजी पर आधारित था, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने क्या नायाब काम किया था चिपको आंदोलन के दौरान, और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है ये चीज। अच्छा भाई, आप बिल्कुल सही बात है, और इसी के लिए चंडी प्रसाद भट्ट साहब को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1982 में। इसके अलावा इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। ठीक है, और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि चिपको के लिए, और जो ग्राउंड लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम भी जान लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा ये थे ग्राउंड लीडर।
लेकिन जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों का संबंध है चिपको के साथ में, ठीक है भाई। ओके, अब 2013 में इनको गांधी पीस प्राइज भी मिल चुका है, चंडी प्रसाद भट्ट साहब को, 2013 का, ठीक है। और इंडिया के आधुनिक पर्यावरणविद में इनका नाम शुमार किया जाता है, चंडी प्रसाद साहब का। तो चंडी प्रसाद भट्ट आपके लिए वैसे भी पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यावरण की रक्षा से इनका संबंध है। जैसे कैलाश सत्यार्थी, तो उनका संबंध किससे है, बचपन, बच्चों के, चाइल्ड लेबर से, ठीक है, कि जो बच्चों को बचाओ, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करो, बचपन बचाओ उनका जो है एनजीओ भी है जिसके माध्यम से वो काम करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आप ये कुछ चीजें थी यार, कुछ और अवार्ड्स अभी रह गए, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को आप आने वाली क्लासेस में। आज का समय हो चुका है, तो आज की क्लास को ना यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। पंकज यार, मैंने बोला है अपनी टीम को कि दिल्ली सल्तनत वाली क्लास को रिज्यूम किया जाए, और वो एसएससी वाला जो एक टाइम पीरियड है ना, सुबह वाला 10 से 10:30 या 11 से 11:30 जो भी टाइम है उसका, आप चिंता मत करो स्टूडेंट्स, आप बड़े सारे मेरे पास डिमांड्स आई हैं वो दिल्ली सल्तनत वाली क्लास के लिए, हिस्ट्री में, तो वो क्लास आपकी होगी। और जिस दिन वो क्लास होगी मैं उस दिन आपको यहाँ पे जैसे आज का शेड्यूल आपके सामने है वैसे ही बता भी दूंगा, ठीक है। पंकज, बंद नहीं हुई है क्लास, बंद नहीं हुई है बेटा, ठीक है भाई, वो क्लास चलेगी, ठीक है, अभी बस लग नहीं पाई है क्लास वो। ओके, तो आज के यूट्यूब के सेशन देख लीजिए, पहला सेशन हो गया, फिर अनुकूल सर की क्लास है 10 से 10:30, इसके बाद भगवती सर की क्लास है, देन फिजिक्स है, इसके बाद अगेन रीजनिंग है, देन मैथ्स एंड आफ्टर दिस केमिस्ट्री। तो टोटल आज हमारे 7 फ्री सेशन है यूट्यूब पर, ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। बिल्कुल आदर्श वो रिज्यूम होगी वो क्लास बंद नहीं की गई है, आप बिल्कुल चिंता मत करें उस क्लास के लिए। और वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं, और बच्चों के लिए बता दूं मैं, वो क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, उसमें और भी क्लासेस मैं लूंगा आगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो क्लासेस होंगी, ठीक है भाई। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे वीडियोस को, ठीक है, ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। जितने ज़्यादा तुम्हारे व्यूज़ आते हैं उसको देख करके और अच्छा महसूस होता है कि हाँ, स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी वो कद्र कर रहे हैं, उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपके और मेरे बीच का जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन ये व्यूज और लाइक्स ही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में एटलीस्ट, इजंट इट। ओके गाइज, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू।